नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टॉक विद हेमराज में। तो दोस्तों, यदि आप 10वीं 12वीं पास हो चुके हैं और किसी गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं तो आपकी तलाश खत्म हुई। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना में यानी इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, यदि आप भारतीय वायुसेना में परमानेंट जॉब करना चाहते हैं तो आप इन पोस्टों के लिए ज़रूर अप्लाई करें। इसमें कोई भी आवेदन फीस आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, आप बिल्कुल निःशुल्क इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसके बारे में हम डिटेल से जान लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि भारतीय वायुसेना में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट की भर्ती के लिए ए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 03/2021/DR है। इसके बाद आपको यहां पास पोस्टल एड्रेस, पोस्ट, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी और कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगा। पोस्टल एड्रेस वही एड्रेस है दोस्तों, जहां पास आपको ऑफलाइन फॉर्म भर करके इसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करके इस एड्रेस पर सेंड करना है। जैसे देख लीजिए, CO हेडक्वार्टर एयरफोर्स वायुसेना नगर नागपुर 44007 है। यहाँ पास जो पोस्ट निकाली गई है तो कुक और MTS के लिए निकाली गई हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 और 2 हैं। बाद आपको अलग अलग हेडक्वार्टर में अलग अलग पोस्ट की भर्ती के लिए ए वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे लॉन्ड्रीमैन, कारपेंटर, MTS, फिटर, कुक, LDC, स्टोर कीपर, ये सभी अलग अलग हेडक्वार्टर में अलग अलग पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। अब हम एज की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पास जो एज मांगी गई है तो 18 साल से लेकर 25 साल तक के लिए मांगी गई है। अब हम यहाँ पास एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं, तो यदि आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की एज में छूट दी जा रही है। यदि आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की एज में छूट दी जा रही है। यदि आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पास 10 साल की एज में छूट दी जा रही है। इसके बाद यहाँ पास डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हैं तो आप अपने हिसाब से यहाँ पास चेक कर लीजिएगा। यहाँ पास जैसे स्टोर कीपर के लिए यहाँ पास मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है तो ग्रेजुएट मांगा गया है, एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर्स एंड कीपिंग अकाउंट्स इन अ स्टोर मांगा गया है। एसेंशियल मतलब कि आपको ज़रूरी है, आपके पास ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है। और डिजराइवेबल का मतलब होता है कि यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो पर में भी आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पास लोअर डिवीजन क्लर्क LDC के लिए यहाँ पास 12th क्लास मांगा गया है और टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट मांगा गया है। इसी प्रकार आपको यहाँ पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट यहाँ पास क्वालिफिकेशन मांगा गया है, लेकिन यहाँ पास यदि आप 10वीं 12वीं पास हैं तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पास टेलर के लिए देख लीजिए, 10th क्लास मांगा गया है। यदि आप किसी भी स्कूल से 10th क्लास, किसी भी बोर्ड से 10th क्लास पास हैं तो आप टेलर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहां पास लास्ट डेट देखने के लिए मिल जाएगी, तो यहां पास बोला गया है कि 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर। ये जो नोटिफिकेशन है 7 जुलाई को एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में छप जाएगी। तो 7 तारीख से, मान लीजिए 7 तारीख से अगले 30 दिन तक आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई ऑफलाइन ही करेंगे। और इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं आप इनके साथ अटैच कर दीजिएगा।
हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपको इन पोस्टों के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना है आपको कि एक परफॉर्मा नीचे दिया है, एप्लीकेशन फॉर्म दिया है आपको यहाँ पास, इसको क्या करना है किसी कैफे में जाकर इसको टाइप करवा लेना है और इसको भर लेना है अपने हाथ से, या तो आप कंप्यूटर में ही इसको भर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पास एक फ़ोटो चिपकानी है आपको, ठीक है। फिर यहाँ पास आपको क्या करना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, यहाँ पास आप लिख दीजिए। फिर यहाँ पास आपको क्या करना है, नेम ऑफ कैंडिडेट ब्लॉक लेटर्स में आपको यहाँ पास भरना है, फादर्स नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। फिर यहाँ पास आपको एज लिखनी है, तो एज कैसे लिखेंगे, ईयर्स मंथ और डेज में, तो आप एज कैलकुलेटर का यूज करके गूगल में जाइएगा और वहाँ सर्च मारिएगा एज कैलकुलेटर, तो वहाँ पास जा करके ये सब आप भर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको यहाँ पास से एड्रेस भर देना है, परमानेंट एड्रेस भर देना है। फिर यहाँ से आपको कास्ट चुनना है, जनरल ओबीसी एससी एसटी। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप भर दीजिए। फिर एनी अदर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पास भर दीजिए। कैटेगरी फॉर विच अप्लाइड तो आपको यहाँ पास भर देना है। टेक्निकल ट्रेनिंग है यदि आपके पास तो यहाँ पास भर दीजिए। डोमिसाइल है तो आप यहाँ पास क्या भर देना है, अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी का मतलब होता है कि आप उसकी फ़ोटो कॉपी करवा के उसमें आप अपना साइन कर दीजिए और डेट डाल दीजिए जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पास फिर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट कर देना है और यहाँ पास डेट डाल देनी है, ओके। तो कुछ इतना आपको फॉर्म भर करके और इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है लगा करके और जिस भी हेडक्वार्टर में आपको अप्लाई करना है जिस भी पोस्ट के लिए, वहाँ पास उस हेडक्वार्टर में उसका एड्रेस डाल दीजिए और उस हेडक्वार्टर में सेंड कर दीजिए उस पोस्टल एड्रेस में आपको।